ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट दिस इज इन रिलेशन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आई हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, और बेटे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बता दिया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इम्पॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नो डाउट इन लास्ट थ्री लेक्चर्स, हमने पिछले तीन लेक्चर्स में काफ़ी हद तक समझ लिया कि व्हाट कैन बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बट ऑफिशियली मैं आज इस कंसेप्ट को कवर करने वाला हूँ। आप अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें बेटे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आज सेकेंड लेक्चर या जो भी नंबर ऑफ लेक्चर छोड़ दीजिए, मैंने अभी तक क्या क्या कराया, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस किए, उसके बाद फिर मैंने इस चैप्टर की आउटलाइन बताई, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बातें की, और आज मैं भूपेश आनंद आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं। बेटे इस पूरे चैप्टर में हमने 5-6 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। पहला कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉमा मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी कॉमा एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट विच आई हैव टू स्टार्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ मैनेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ फायदे होते हैं, आप कुछ भी करते हैं लाइफ में तो देर आर सम पॉजिटिव्स एंड देर आर सम नेगेटिव फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन व्हाट्सएप अब बंद हो रहा है जैसे बिकॉज वो फेसबुक ने ले लिया, तो द पॉइंट इज देर आर सम पॉजिटिव्स देर आर सम नेगेटिव फॉर दैट। इसके साथ साथ हमें एक डिस्कस करना है कंसेप्ट व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एट लास्ट दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, एनजीओज में क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वहाँ पे भी रोल है। तो बेटे आप अपना रजिस्टर बाहर निकालें, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज इंपॉर्टेंस की बात करूँगा दैट व्हाट आई मीन बाय व्हाट इज अ व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द प्लस और व्हाट आर द प्रॉस ऑफ यू नो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों मुझे अभी भी याद है कि मैंने आप सभी को कुछ वीडियोस दिखाए थे और आपको बताया था कि लाइफ में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल कहां पर है, क्योंकि आप अगर पूरा एनवायरनमेंट देखें, पहले मेरी आप बात को सुनेंगे उसके बाद हम इसको लिखते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी कहानी में ये बात आती है कि आप पूरे एनवायरनमेंट को देखें, स्पेसिफिकली इफ यू सी इट पोस्ट कोविड 19। अभी वैक्सीन लग रही है, कुछ लोगों को लग गई, कुछ को लगनी है। द पॉइंट इज आप देख रहे हैं इकोनॉमी का डाउनफॉल, आप देख रहे हैं जीडीपी, आप देख रहे हैं रिसेशन, आप देख रहे हैं डिमांड, और किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो गया और फेस टू फेस प्लेटफॉर्म किसी भी चीज़ में, मार्केट में, मॉल्स में, एजुकेशन में किस तरह से टर्न अप आ गया। इट मीन्स एनवायरमेंट इज चेंजिंग रेगुलरली। इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट, बेटे आपको अगर उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े प्लेयर होंगे तभी सरवाइव करेंगे, नहीं। आपको उस एनवायरनमेंट में, उस हिलते हुए एनवायरनमेंट में, उस वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में, उस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, हिलते हुए एनवायरनमेंट में आपको भी बदलना है। बट यू कैनॉट कंट्रोल द एनवायरनमेंट, आई कैनॉट कंट्रोल पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो, बट व्हाट आई कैन डू दैट आई कैन चेंज my habits, I can change my business, I can change my objectives, I can change my way of distribution, I can change, So with the help of that, मुझे उस environment के accordingly ही बन जाना है, क्योंकि environment turbulent है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी plane जैसे crash करता है भागो, तो आप पहले देखिए या Titanic ship की बात सुनियो, तो बेटे हिलता है, समतल नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट स्टैगनेंट, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। सब कुछ तो हिल रहा है, आपके मन के विचार हिल रहे हैं, एनवायरमेंट हिल रहा है, आपका चेहरा हिल रहा है, आपके थॉट्स हिल रहे हैं, एवरीथिंग इज शेकिंग, सो टू स्टैंड इन दैट शेकिंग, इन दैट टर्बुलेंट एनवायरमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू हैव द स्ट्रैटेजीज, बिकॉज यू नो दैट हाउ आई कैन सर्वाइव इन दिस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक आपको रास्ता दिखाता है,
मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 100% प्रूफ है. वी हैव डिस्कस दैट स्ट्रैटेजीज आर फ्लेक्सिबल. वी हैव डिस्कस दैट स्ट्रैटेजीज आर नॉट फ्लॉलेस. इट मीन्स दे आर विद फ्लॉज. बट द पॉइंट इज एटलीस्ट दिस स्ट्रैटेजीज हेल्प मी टू फाइंडिंग आउट द वे, यू नो, पाथ फाइंडर. जैसे आपने कभी देखा सर्दियों में धुंध होती है बड़ी ज़्यादा और आपके पास टॉर्च होती है, आपको आगे रास्ता दिखता नहीं लेकिन कुछ हद तक आपको रास्ता दिखता है. जब आप उस रास्ते तक पहुँचते हो फिर आगे दिखता है, फिर आप वहाँ पहुँचते हो तो फिर आगे दिखता है. इट मीन्स स्ट्रैटेजीज आपको पाथ डिफाइन करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, मैं सीए, मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. बेटे अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो मुकेश अंबानी ना होता. अगर इंपॉर्टेंस ना होती तो मैं ये कह रहा हूं सारस मिस्त्री ना होता. अगर इंपॉर्टेंस ना होती तो लक्ष्मी मित्तल ना होता. इट मीन्स दे हैव यूज्ड सम सेपरेट थिंग्स. तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए. 101 यू नो हैबिट्स ऑफ रिच पीपल. दैट व्हाट आर द हैबिट्स. कुछ तो अलग होगा जो लोग अमीर बन जाते हैं या जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं. यू नो दे मस्ट हैव फॉलोड अ डिफरेंट टेक्निक. सो दे हैव फॉलोड दीज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. जाने अनजाने में वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज करते हैं बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको रास्ता दिखाती है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देती है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको टर्बुलेंट एटमोसफेयर में हेल्प करती है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको यू नो इट मेक्स यू प्रोएक्टिव. आई थिंक वी हैव डिस्कस दैट स्ट्रैटेजीज कैन बी प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजीज कैन बी रिएक्टिव. प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपको पहले से ही सचेत कर देती है, पहले से ही आप एक्शन ले लेते हो. ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होगा तो उसके बाद आप काम करेंगे. प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. आपने सुना होगा स्पेसिफिकली COVID-19 के सिनेरियो में कि आप अगर मास्क पहनते हैं तो ज़्यादा बेटर है. तो इट मीन्स यू आर डूइंग प्रोएक्टिव. अभी भगवान ना करे आपको कभी कोविड हो. द पॉइंट इज यू आर बीइंग प्रोएक्टिव. इट मीन्स स्ट्रैटेजीज हेल्प यू टू टेक प्रोएक्टिव एक्शंस. आपके कोर कॉम्पिटेंस, जैसे मेरी अपनी बात करूं बेटे, एवरी पर्सन एवरी इंडस्ट्री हैज अ कोर कॉम्पिटेंस. लता मंगेशकर की क्या कोर कॉम्पिटेंस है? आवाज़. अगर आप म्यूजिशियन की बात करें तो ऑल पीपल वी ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स. वो उसको हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंस. तो उस कोर कॉम्पिटेंस को पहचानने की मदद करती है बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि आपके अंदर क्या कला है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या हॉबी है, आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, आपके क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या. सो ऑल दैट कोर कॉम्पिटेंस को जब आपको पता चल जाएगा कि दैट यू हैव द स्किल अलॉन्ग विथ टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर दें तो बेटे सोने पे सुहागा. तो कोर कॉम्पिटेंस आपको कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बताता है. आप जो स्ट्रैटेजीज लेते हैं उसमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं बट अपने आप को कॉन्फिडेंसली क्रिएट करना, लक फैक्टर पे भी कुछ समझना, ये बेटा सब कुछ आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देता है. तो आप अपनी झोली को आगे करें, जल्दी से रजिस्टर पहले तो ओपन कर लें. कुछ बच्चे तो अभी तक रजिस्टर भी ओपन नहीं किया. बेटा रजिस्टर ओपन करें. मैं भूपेश आनंद आज आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, कुछ लिखवाऊंगा और उसके बाद बेटे अब हम बुक से भी करना स्टार्ट कर देंगे कि बुक में आपके मैंने क्या क्या लिखा है. हम हाईलाइट करेंगे, हम देखेंगे दैट व्हाट आई हैव गिवन इन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड इन दोज क्वेश्चंस. बुक्स आप सबके पास होंगी, मिल चुकी हैं. मैं अभी उनसे भी करूंगा लेकिन पहले कहते हैं हम कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. तो हेडिंग लिखिए इम्पॉर्टेंस मैरिट्स एडवांटेजेस पॉजिटिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पॉजिटिव्स देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं. तो पहली इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए लिखा हुआ है स्ट्रैटेजीज आर असेंशियल. जरूरी हैं आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल. आप अगर सच में सर्वाइव करना चाहते हैं, आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो जब तक आप आउटर सिनेरियो के से अलाइन नहीं होंगे तो बेटे आप ग्रो कर ही नहीं सकते बिकॉज आउटर एनवायरनमेंट हिल रहा है. तो आपको इंटरनली से एक्सटर्नल में अलाइन होना है. सो दैट अलाइनमेंट विल हेल्प. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल हेल्प टू अलाइन, यू नो. तो मैंने लिखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आप लिख रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन टूडेज
टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर। ऐसे नहीं कि अभी आजकल टर्बुलेंट है पोस्ट कोविड। बेटे आप ये देखिए, जब से दुनिया बनी तब से बदलाव हो रहा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि सब कुछ बदलता रहेगा, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अर्जुन को यही समझाने की कोशिश की कि सब बदल रहा है और तुम्हें उस बदलाव में ही जीवन जीना है। इट मीन्स दैट टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर में अगर आपको सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशंस हु अडॉप्ट चेंजेस विल ओनली सर्वाइव। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, अगर आप नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। मुझे एक ज़माने में बताइए, सब क्लासरूम कोचिंग लेते थे, फेस टू फेस लेते थे। आज के सिनेरियो में देखें, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड 19, एक नर्सरी का बच्चा बेटे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा है। तो क्या आप एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट क्या आप ऑनलाइन नहीं ले सकते? द पॉइंट इज, इफ टीचर्स, अगर एक टीचर कहता है कि मैं तो बोर्ड में ही पढ़ाऊंगा, फेस टू फेस ही पढ़ाऊंगा, तो बेटे आज वो टीचर का नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि फेस टू फेस स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे। आपको एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलाइन होना है। कोडैक की बात सुनी आपने बेटे? कोडैक कंपनी हुआ करती थी, 1883 में बनी थी, मतलब उसकी इनकॉर्पोरेशन 1883 में, और 2012 में उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा कोडैक की केस स्टडी देखिएगा। मैंने पहले भी बताया बेटे, उनका अपना प्रमोटर्स का टोटल शेयर 80% था, प्रॉफिटेबिलिटी 25% थी बेटे। वो रोल्स बनाते थे, उनसे एक ही गलती हुई कि उन्होंने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदला नहीं। दे हैव नॉट फॉलोड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। डिजिटल कैमरास का जमाना आ चुका था, उन्होंने डिजिटल कैमरास को कहा बेकार है ये सब कुछ। धीरे 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 बेटे, इतनी ह्यूज टर्नओवर, इतनी करोड़ रुपीस की वेल्थ, बिलियनियर वेल्थ दैट हैज बीन ड्राउंड लाइक एनीथिंग। वो बेटे 2012 में उनको बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी फाइल करना पड़ा। इट मीन्स अगर इतना बड़ा राक्षस, इतनी बड़ी कंपनी खत्म हो सकती है इफ दे हैव नॉट फॉलोड, यू नो, इट मीन्स इट इज नॉट द बिग प्लेयर, द हाउ मच बिग साइज यू आर इन। फॉर सर्वाइवल इट इज नॉट द साइज विच मैटर्स, फॉर सर्वाइवल इट मैटर्स दैट वेदर यू आर फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, वेदर यू आर चेंजिंग यूर सेल्फ, वेदर यू आर अलाइंड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेदर यू आर अलाइंड विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू डू दैट अलाइनमेंट। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो पहला इंपॉर्टेंस अगर आप लिख चुके हो तो मेरे सामने दोबारा से रिपीट करें, इसके हाईलाइट कर दें। मैं अभी कीवर्ड्स की लिस्ट अलग से बनाऊंगा। स्ट्रैटेजीज आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दो बातें बताई, सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब हिलता हुआ एनवायरनमेंट, ठीक है जी। सेकंड बेनिफिट इज, ऑर्गेनाइजेशंस हु अडॉप्ट चेंज विल ओनली सर्वाइव। जो बदलेगा वो ही रह जाएगा बेटे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। जैसे कोविड 19 में जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वही रह गया, बाकी सब मर गए, ठीक है जी। तो आप समझ लें कि आपको बदलना है। थर्ड बेनिफिट, हम इस समय क्या कर रहे हैं? मेरिट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी, एक कंपनी को कहाँ जाना है। जैसे एक शिप के आगे नेविगेटर लगा होता है, एक झंडा लगा होता है, वो बताता है कहाँ जाना है, रास्ता क्या है, पिटी डायरेक्शन देता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स अ कंपनी टू गिव अ डायरेक्शन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ पाथ फाइंडर एक्टिविटी। तो थर्ड इंपॉर्टेंस लिख लें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफाइंस कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं, आपका सपना क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, व्हाट शुड बी द एक्शंस, एंड इट इज चेंजिंग डे बाय डे। ऐसा नहीं कि आज बना दी तो 10 साल तक यही, नहीं बेटे, हर चीज तो बदल रही है। बट स्टिल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द विजन, टू ऑब्जेक्टिव्स एंड द मिशन। सो वी आर डूइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने कहा जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजमेंट टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को सोच होने से पहले ही सोच लें और उसके लिए एक्शन लेनी शुरू कर दें। जैसे आपने मेडिक्लेम लेना शुरू कर दिया, अभी आपकी तबीयत खराब नहीं हुई बट मेडिक्लेम ले लिया, तो मैं कहूँगा बींग टेकिंग अ मेडिक्लेम पॉलिसी इज प्रोएक्टिव, इट इज अ प्रिकॉशन। आपने योगा, आपने मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, खराब नहीं है, इम्यूनिटी ठीक है, स्टिल यू हैव टेकन दीज एक्शंस। इसका मतलब एडवांस में कोई चीज करना,
एडवांस में डिजिटल क्लासेस में चले जाना, एडवांस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, एडवांस में पोस्ट कोविड 19 सिनेरियो के रिजल्ट्स को देखना और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने स्टार्ट कर देना. सो दैट समथिंग इज एम्ड एज प्रोएक्टिव. एक होता रिएक्टिव, मैंने कहा था स्ट्रेटजीज कैन बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. तो आपको जल्दी से उठना, जैसे जैसे मैं कहता हूँ एक हीरो है एक और एक हीरोइन है, हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, पहली पहली बार आंखों में प्यार हो गया. आपको पता ही बेटे बेटे आप ये बताइए, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव हो जाता है तो अब वो लड़का क्या कह रहा है, अब एक लड़की को डिफाइन कर रहा है कि इस लड़की से जब मुझे प्यार हुआ तो मुझे क्या क्या लगा. जैसे एक मूवी आई थी 1942 अ लव स्टोरी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एयर कंडीशनर, जैसे पेड़ की छांव. तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़के ने लड़की को कहा कि इसके साथ जब मैंने प्यार किया तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिला, मुझे इस लड़की ने डायरेक्शन दी कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे पहले पढ़ाई करनी है, पहले लाइफ में स्टैंड होना है, उसके बाद मैरिज करेंगे. मुझे इस लड़की ने सुबह उठना सिखाया, क्योंकि मैं लेट उठता था, क्योंकि मुझे एक ऑब्जेक्टिव आ गया, मेरी विजन आ गई कि भाई मेरे को ये चीज़ पानी है, तो उसके लिए जल्दी से उठना सिखाया, मुझे डायरेक्शन दी, मुझे उसके बाद अंदर इंटरनली कोर कॉम्पिटेंस जगाई. इट मीन्स मेरे में क्या स्किल है ये उसने बताया, उसने उसने मुझे सोचने में मजबूर किया कि वेदर आई एम स्ट्रांग इन थ्योरी, वेदर आई एम स्ट्रांग इन प्रैक्टिकल, वेदर आई एम स्ट्रांग इन दिस, वेदर आई एम स्ट्रांग इन कम्युनिकेशन, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव सिलेक्टेड द कोर्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी कोर कॉम्पिटेंस क्या है. वैसे कोर कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट की क्या होती है, अगर आप पूरी कंपनीज को देखें, कॉर्पोरेट्स को देखें, तो उनका मैनेजीरियल स्किल, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस टेक्नोलॉजी, अगर हम कंबाइन कर दें मैनेजीरियल स्किल प्लस टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दें, तो मैं ये बोलूंगा दिस इज नेम्ड एज कोर कॉम्पिटेंस. सभी के अंदर कोर कॉम्पिटेंस होती है. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, रॉन्ग सिचुएशंस में मुझे अपनी हिम्मत कैसे बंधाने की कोशिश करनी है, क्या सोचना है. कुछ बातें बेटे लक भी होती है. तो ये सारी बातें उस लड़की ने मुझे बताई. एक लड़का डिफाइन कर रहा है उस लड़की को जिससे उसे प्यार हो गया है कि इस लड़की ने मुझे ये दिया, इस लड़की ने मुझे ये भी बताया, इससे मुझे डायरेक्शन मिली, इससे मुझे मैकेनिज्म मिला, इससे मुझे कोर कॉम्पिटेंस मिली, इससे मुझे रास्ता मिला, इससे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि जब उसके घर में कोई नहीं होता था तो वो मुझे फ़ोन करके बुलाती थी. इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ को भी मेरे को उस लड़की ने बताया. तो अगर आप इस तरह से रिलेट करते हैं कि एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ और उसके बाद उसको क्या क्या बेनिफिट्स हुए, तो बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो चुटकियों में हो जाएगी. और अगर आप कुछ एग्जांपल्स ध्यान रख लें, जैसे कोडाक का एग्जांपल दिया, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं अभी टर्बुलेंट का एग्जाम्पल दूंगा, अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, कुछ वीडियोज दिखाऊंगा, तो बेटे मजाक मजाक में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जानी है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं. तो नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव. ठीक है सर. नेक्स्ट बेनिफिट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजंस. लाइफ में आप बड़ी सारी मेजर डिसीजंस लेते हैं, वेदर टू डू दिस कोर्स और नॉट, वेदर टू डू इंडियन कोर्स और अ फॉरेन कोर्स, वेदर टू गो फॉर कॉमर्स इन 11th क्लास में, वेदर टू गो फॉर साइंस स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट और वेदर टू गो फॉर कॉमर्स. इट मीन्स यू टेक सो मेनी डिसीजंस, वेदर टू स्टार्ट विद अ नैनो प्रोजेक्ट और नॉट. तो ये सारे डिसीजंस को लेने की हेल्प कहाँ से मिली, रास्ता कहाँ से मिला, हेल्प कहाँ से मिली, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से बेनिफिट दिख रहे हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क दिया है ना, एक खेल कूद का मैदान दिया कि वहाँ खेलना खेलना तो मुझे ही है, बट एक मैदान दे दिया. जैसे स्कूल में हमारे को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलती है, म्यूजिक की फैसिलिटी मिलती है, स्कूल गिव्स अ फ्रेमवर्क टू डू दिस 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 दिस. अब हम हमारे जो हॉबी है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो हम उसी के में आगे स्किल हासिल करते हैं. बट दैट फ्रेमवर्क, दैट अपॉर्चुनिटी, दैट यू नो लॉजिस्टिक हैज बीन गिवन बाय दैट स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजंस लाइक प्रोडक्ट्स मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन. मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, अब जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट रिकॉर्ड करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सभी बातों का ज्ञान
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती है बेटे, इसलिए मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बड़ी अच्छी लगती है। मैं आगे जी आगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मैंने कहा उस लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज हम मिल सकते हैं, आज घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज को देखना मुझे बताया। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आप लड़की मानिए और आप लड़के हैं, आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से प्यार कर लिया है, तो लड़का जिस तरह से उस लड़की को डिफाइन करता है, अगर आप वैसे भी डिफाइन करते हैं तो बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो जाएगी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाया, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बताया, मेरी वीकनेसेस बताई। अगर आपको आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाए तो आप इंटरव्यू कॉन्फिडेंट हो जाए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। गलतियां होती है, किससे नहीं होती, पर रिपीट नहीं करनी है, तो वो सब कुछ मुझे किसने बताया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने। लास्ट पॉइंट लिख लेंगे बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प टू एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। आप देखिए कोडैक ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आज नामो निशान खत्म हो गया, लेमन ब्रदर्स का नामो निशान खत्म हो गया, एनरॉन का नामो निशान खत्म हो गया। इतनी सब whosoever has not followed strategic management, उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा सा रहा, बट अगर आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो की तो आपकी उम्र लंबी होगी, ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू हैव अ लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंस। हम सब में कुछ ना कुछ कला छुपी होती है, एवरी बिजनेस हैज अ सेपरेट कोर स्किल, सो टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज दैट स्किल, वो स्किल है क्या, उसको ढूंढने की कला, मैनेजरियल स्किल्स प्लस टेक्नोलॉजी, वो सारा कुछ किसने हेल्प किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टू डील विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ देर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर डूइंग दैट पर्टिकुलर सेम वर्क, बट अ पर्टिकुलर कंपनी मे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल मैं जैपनीज की बात करूँ और इंडिया की बात करूँ तो बेटे जैपनीज के इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिटी बड़ी मशहूर है, ऐसा मैं मानता हूँ और आप सब भी समझते हैं। इट मीन्स कैलकुलेटर इंडिया में भी बन सकता है, कैलकुलेटर जापान में भी बन सकता है, बट जैपनीज ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और कॉस्ट पर यूनिट कम है और क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कहूँगा जैपनीज हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो हमारी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हम किस में माहिर हैं, हम क्या पराठे बढ़िया बना सकते हैं, क्या छोले भटूरे बढ़िया बना सकते हैं, या क्या पाव भाजी अच्छी बना सकते हैं, या मसाला डोसा अच्छा बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए दैट व्हाट इज माय एडवांटेज एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं और मेरे पास है, और जो ज़रूरी है सक्सेस और ग्रोथ के लिए, बट दैट इज द पॉइंट वेयर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प मी। लास्ट पॉइंट है, मैंने ये वैसे बता दिया, टर्बुलेंट का मीनिंग आपको बता दिया, जब कोई हिलता है यू नो एटमॉस्फेयर जैसे हिलता है। मैं आपको क्या बताऊं, आइए थोड़ा सा मैं वीडियो हल्का सा दिखा दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक्चुअली आपको। ये देखिए, ये मैंने इस समय ये इंडोनेशिया का जब प्लेन क्रैश हुआ उससे पहले लोगों ने उसकी वीडियोस बनाई और वो शेयर की, उसका यूट्यूब से वीडियो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ। आपने क्या देखना है इसमें कि एरोप्लेन किस तरह से टर्बुलेंट हो रहा है, हिल रहा है, तो बेटे एनवायरनमेंट भी इसी तरह से हिलता है। वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, मैं तो खाली आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें ये वीडियो जो मैं दिखाने वाला हूँ, बेटे अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस नहीं होता तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इनकी कंपनी गोदरेज की स्थापना की थी। इस कंपनी के हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और फोर्ब्स के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति
$12 बिलियन है। नंबर 7 पर है राधा किशन दमानी, जन। यू विल बी ऑल्सो इन दिस लिस्ट। तो आइए हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब इस समय पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को सीख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी रिटन, टर्बुलेंट का मतलब मैंने बता दिया, कोडैक की केस स्टडी मैंने बताई, यू नो कोडैक केस स्टडी आपको डीपली स्टडी करना चाहिए, दैट क्या हुआ था, कैसे हुआ और आने वाले दिनों में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये बताया, फिर मैंने आपको बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का मीनिंग क्या है, देन आई हैव टोल्ड यू दैट इट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपके लिए कि ये जैसे यंग जनरेशन को अगर आप देखें तो उनकी हैबिट्स देखें, वो फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उनको टेस्टी फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिए स्विगी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो स्विगी ओला कंफर्टेबल लाइफ चाहिए बेटे यंग जनरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मोबाइल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आप अगर ध्यान से इस अपॉर्चुनिटीज को देखें तो यू कैन ग्रैब दैट। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ भूपेश आनंद और चाहता हूँ कि आप कीवर्ड्स लिखें बेटे। आज का लेक्चर जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है उसके कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है टर्बुलेंट, मैंने आपको इंडोनेशिया का एरोप्लेन को दिखाया। कोर कॉम्पिटेंस, मैंने कहा जी मेरी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस, इंडस्ट्री की कोर कॉम्पिटेंस, अंबानी की कोर कॉम्पिटेंस, टाटा की कोर कॉम्पिटेंस, गोदरेज की कोर कॉम्पिटेंस, सांघवी की कोर कॉम्पिटेंस, इट मीन्स अपनी कोर कॉम्पिटेंस को ढूंढना, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सो वी हैव टू राइट ऑन दैट की वर्ड्स। और आप एक लड़के और लड़की का एग्जाम्पल समझ लें तो आई थिंक वो भी आप कर सकते हैं। बेटर गाइडेंस, मुझे उस लड़की ने ज़्यादा बेटर गाइडेंस दी, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ने मुझे गाइड किया कि ऐसे करना है, ऐसे 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 अपॉर्चुनिटीज बताई। सो लाइक दिस आई कैन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। बेटे अभी हमने लिमिटेशंस डिस्कस कर रही है और लिमिटेशंस के बाद मैं आपको बुक से बताने वाला हूँ कि बुक में मैंने क्या क्या लिखा है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है हम बुक से भी करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, किस में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।